सुप्रभात छात्रों, पुनः हम अपने उस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए छंद के पाठ्यक्रम अनुसार वर्ण छंद हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस में वर्ण वृत्त छंदों का ही वर्णन किया गया है। तो इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं कि वर्णिक छंद अर्थात वर्ण वृत्त छंद। आज से दोस्तों हम पढ़ेंगे कि वर्ण वृत्त छंदों के लक्षण, उदाहरण, लक्षण की व्याख्या, उदाहरण की व्याख्या, स्पष्टीकरण, सब कुछ अध्ययन हम करेंगे। तो हम बताएंगे कि किस छंद में क्या लक्षण होता है, क्या उसकी व्याख्या होती है, सबके बारे में दोस्तों हम बताने जा रहे हैं। चलते हैं हमारे बिंदु को आगे बढ़ाते हुए कि वर्ण छंद। वर्ण छंद में पहला हमारा छंद है अनुष्टुप छंद। विशेष ध्यान देते हुए पढ़ेंगे कि अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद के बारे में हम थोड़ा सा सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। कहेंगे कि अनुष्टुप छंद में वर्णिक छंदों की गणना के अनुसार कुल वर्णों के चरणों की जो हम गणना करते हैं उसमें हम देखेंगे कि इस अनुष्टुप छंद को वैदिक और लौकिक दोनों ही भेदों में मान्य किया गया है। अनुष्टुप छंद वर्णिक छंद में हम पढ़ेंगे इसका लक्षण। लक्षण है छात्रों श्लोके षष्ठम गुरु व्यम सर्वत्र लघु पंचम। श्लोके षष्ठम गुरु व्यम सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम्। सप्तमं दीर्घं मन्ये कहा कि छंद का लक्षण स्पष्ट करते हुए कहा छंद का लक्षण है कि श्लोके षष्ठम गुरु व्यम सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम् सप्तम दीर्घम मन्येऽहम्। आचार्य पिंगल ने छंद का लक्षण लिखते हुए कहा है कि अनुष्टुप छंद की प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है, प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 8। अर्थात छात्रों समझो कि पिंगल आचार्य के अनुसार कहा गया है कि 8वीं वर्ण पर यति होती है, प्रत्येक चरण में 8वीं वर्ण पर यति होती है और इस प्रकार से संपूर्ण पद में चरणों की संख्या 4 होती है। चरणों की संख्या कितनी होती है? 4। कहा कि इस श्लोक के आधार पर, इस लक्षण के आधार पर कहा है कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, 8वें वर्ण पर यति होती है और संपूर्ण पद में, संपूर्ण छंद में चरणों की संख्या होती है 4। चरणों की संख्या होती है 4। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण पद में कुल वर्णों की संख्या 32 होती है।
कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 32 होती है। कहा है कि संपूर्ण पद में, पूरे ही पद में कुल वर्णों की संख्या 32 होती है और संपूर्ण पद को 4 चरणों में तोड़ दिया और प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 8। अर्थात हम कहेंगे कि प्रत्येक चरण में 8वें वर्ण पर यति होती है। रुकना, विश्राम लेना, कार्य करते करते हम थक जाते हैं, थकने के लिए कुछ समय के लिए आराम कर लें, उसी प्रकार से हमारी जिभ्या थोड़े समय के लिए जहाँ रुकती है वो यति होती है 8वें वर्ण पर। कौन से वर्ण पर होती है? 8वें वर्ण पर यति होती है। इस प्रकार से अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, 8वें वर्ण पर यति होती है, कुल चरणों की संख्या 4 होती है। आगे और भी कहा गया है कि कुल वर्णों की संख्या 32 होती है। उसके आगे कहा गया है कि श्लोक के चरण के प्रत्येक चरण में, कहा कि श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम, अनुष्टुप छंद का एक दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूँ। अनुष्टुप छंद का एक दूसरा नाम है श्लोक छंद। आचार्य पिंगल ने अनुष्टुप छंद का एक दूसरा नाम दिया है जिसका नाम है श्लोक छंद। क्या नाम है बेटा? श्लोक छंद। अनुष्टुप छंद का एक दूसरा नाम है श्लोक छंद। तो कहा है कि अनुष्टुप छंद का जो प्रत्येक चरण का जो पांचवा छठा वर्ण होता है, अनुष्टुप छंद में आपको 3 वर्ण देखने हैं, पांचवा, छठा, सातवां। हमें अनुष्टुप छंद के लक्षण अनुसार पांचवा, छठा, सातवां 3 वर्णों को देख करके हम पहचान करेंगे कि प्रत्येक चरण का पांचवा, छठा, सातवां वर्ण क्या होता है। देखो, कहा है इस लक्षण में छात्रों सब कुछ स्पष्ट करते हुए कहा है। क्या कहा है कि इस लोक में षष्ठ वर्ण गुरु गेयम, अर्थात प्रत्येक चरण का छठा वर्ण क्या होता है? गुरु। प्रत्येक चरण का छठा वर्ण गुरु, सर्वत्र लघु पंचमम, और पांचवा वर्ण सभी स्थानों पर क्या होता है? लघु। छठा वर्ण गुरु, पांचवा वर्ण लघु। आगे क्या कहा है छात्रों? आगे कहा है द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम्। आ थोड़ा गला साथ में जरा, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम्। कहा कि द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम्, दूसरे और चौथे कितने चरण होते हैं? 4। कितने चरण होते हैं? 1, 2, 3, 4 लिखते हैं हम, 4 चरण होते हैं। तो कहा कि द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम्, यानी दूसरे और चौथे चरण का सातवां वर्ण लघु, दूसरे और चौथे पाद का सातवां वर्ण लघु, पहले और तीसरे पाद का सातवां वर्ण गुरु होना चाहिए। ये हमारा अनुष्टुप छंद निर्देशित करता है, हमें कहता है कि श्लोक छंद में, श्लोक छंद में, अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में पांचवा वर्ण लघु, छठवा वर्ण गुरु, द्विचतुष्पादी और ह्रस्वम्, दूसरे और चौथे पाद का सातवां वर्ण लघु, और पहले और तीसरे पाद का सातवां वर्ण गुरु होना चाहिए।
जैसे हम कहते हैं बच्चों को बिठाया, लाइन में लगाई कि भाई इंटू पिंटू मोहन सुहान, तो पहले नंबर पर मोहन और तीसरे नंबर पर सुहान, तो ये दोनों क्या होंगे भाई, गुरु होंगे। दूसरे और चौथे पाद का सातवां वर्ण क्या होगा भाई, लघु। तो कहा तो इस लक्षण को ही हम उदाहरण के रूप में चित्रित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो गिनती करेंगे, सबसे पहले हम लक्षण हुआ, लक्षण है, सारी बातें हमारे सामने आई। कहा कि अनुष्टुप छंद में चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या आठ होती है, यति भी आठवें वर्ण पर होती है, कुल वर्णों की संख्या 32 होती है। उसके साथ साथ आगे कहा है कि प्रत्येक चरण का पांचवा वर्ण लघु, छठवा वर्ण गुरु, दूसरे और चौथे चरण का सातवां वर्ण लघु, पहले और तीसरे चरण का सातवां वर्ण गुरु होता है, उसे हमें अनुष्टुप छंद जानना चाहिए। आगे चलते हैं, अब हम उदाहरण तो और भी लिखेंगे, लेकिन उदाहरण से पहले हम चलते हैं भाई एक मिनट इस लक्षण को ही हम क्यों ना उदाहरण के रूप में समझें, समझते हैं कि गिनती करते हैं। मैंने आपको बताया कि छंदों में सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा कार्य होता है गिनती करना, जिसकी गिनती सही होती है उसका छंद सही होता है। गिनती के बाद लघु गुरु का चिन्ह लगाएंगे, लघु गुरु का चिन्ह सही तो गण का नाम भी सही, और गण का नाम भी सही तो छंद का नाम भी सही होता है। गिनती करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठवें वर्ण पर यति। ये जो आपको दिख रहा है नौ जैसा चिन्ह, लगभग नौ जैसा चिन्ह, अर्थात इसको बोलते हैं कौमा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कौमा, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं इसको यति का चिन्ह। छंदों में क्या बोलेंगे इसको, यति, कि यति हुई यहाँ पहली और यति होने के बाद ये बन गया पहला चरण। क्या बना ये पहला चरण, देखो निचले वाली पंक्ति में भी कोई मैंने चिन्ह नहीं लगाया, कोई कौमा नहीं है। अब कौमा लगाते जाएंगे हम कि गिनती करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, देखो पीछे से क्या बोल रहा है साहब, भूल गए से, पीछे से बच्चा बोल रहा है भूल गए से, ये सब भूल गए साहब, ये सब भूल गए, भूले नहीं हैं हम आपको पहले बता चुके हैं कि लंगड़े आदमियों को बारात में नहीं ले जाते हैं, अर्थात आधे वर्णों की गणना नहीं करते। तो आधे वर्णों की गणना नहीं करते हुए हमारी गिनती हुई कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अर्थात यति और यति के बाद दूसरा चरण आरंभ होगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठों वर्ण मिलकर के फिर एक यति हुई और चरण बन गया दो, चरण नंबर दो। सब कुछ सही होता जा रहा है, चलते हैं आगे। गिनती एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, लगा दो यति, कर दो गति, चरण कौन समझ जाएगा तीसरा, लगाओ यति कर दो गति, हो गई भाई तीसरा चरण कंप्लीट हुआ। अगला है एक दो तीन चार पाँच छ सात सप्तम आठ, हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, कितने हुए चरण नंबर चार, चरण नंबर कितने हुए चार, चरण नंबर हुए चार, कुल चरण कितने हो गए चार। यति हमारी हो गई यहाँ पर, तो हुआ कि चारों ही चरण मिलकर के एक पद का निर्माण किया, इस पद को हम बोलते हैं छंद। चारों ही
चरणों ने मिलकर के एक पद का निर्माण किया जिसे हम बोलते हैं छंद। चार चरण हुए। अब इन चारों चरणों में हमारा दूसरा काम है कि चिन्ह लगाना। गिनती करने के बाद हम लगाएंगे इसमें चिन्ह। क्या चिन्ह लगाएंगे भाई? चिन्ह लगाते हैं, देखो पहले गिनती हुई तो गिनती से पहले हम पांचवें, छठे और सातवें वर्ण को आगे निकालते हैं। पांचवें, सातवें और आठवें वर्ण को छांटते हैं, गिनती करते हैं। यहाँ अनुस्वार है, कहा देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि अनुष्टुप छंद में हम देखते हैं तीन, पांचवा, छठा, सातवा, पांचवा, छठा और सातवा। यहाँ भी चलते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात, राइट। इधर भी चलो भाई एक दो तीन चार पाँच, दह के नीचे लगाओ पाँच, यह के नीचे छः और है के नीचे सात। आगे चलो एक दो तीन चार पाँच छ सात, कहा भाई कि पहला और दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आगे चलते हैं, हमने गिनती चिन्ह लगाई, हमने क्या लगाया भाई चिन्ह, चिन्ह लगा करके आगे चलते हैं हम कि गिनती की हमने कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों चरण बने, चारों चरणों में हमने चिन्ह लगाए। इस छंद को थोड़ा ध्यान रखना, ये जो अनुष्टुप का ये उदाहरण होगा ये होगा केवल वैदिक छंदों में। किसमें होगा ये? वैदिक छंदों में, क्योंकि लौकिक छंद में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता है, वो यहाँ मान्य नहीं होता। आप जैसे समझेंगे कि यहाँ पर एक सातवां जो वर्ण होगा वो दोनों सातवें वर्ण में थोड़ा सा अंतर आएगा, इसलिए कहा कह सकते हैं कि ये लौकिक नहीं, ये वैदिक छंद का उदाहरण है। क्योंकि मैंने आपको समझाया कि इस अनुष्टुप छंद दोनों ही छंदों में गिना जाता है, किसमें? वैदिक और लौकिक, वैदिक और लौकिक। हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारे सिलेबस में जो वर्ण है, जो छंद है, वो है लौकिक छंद। हमारे सिलेबस में वर्ण, वृत्त, छंद, लौकिक, लौकिक भेद। हमारे जो और अगला है संवृत, कौन सा है? संवृत। ये तीनों ही हमारे सिलेबस में हैं। छंद काफ़ी बड़े हैं, बहुत विस्तार हैं, लेकिन इस विस्तार को सिलेबस के अनुसार, नंबरों के अनुसार बांटते हुए तीनों चीज़ों को निकाल लिया, वर्ण वृत्त छंद, लौकिक भेद और संवृत छंद। यानी गणना के आधार पर भी कौन से होंगे? समवृत छंद हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए गए। तो ये हुआ हमारा लक्षण। लक्षण में हमने कहा छात्रों ध्यान से देखें, बड़े आनंद की चीज़ है, कहा कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादी ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। श्लोक छंद अनुष्टुप छंद का ही एक दूसरा नाम है, पर्याय है, आपको शायद किताब में ना मिले लेकिन नोट कर लें कि अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम श्लोक छंद भी होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में आठ वर्ण होते हैं, आठवें वर्ण पर यति होती है, कुल चरणों की संख्या चार होती है और संपूर्ण पद में पूरे ही श्लोक में कुल वर्णों की संख्या 32 होती है। और लक्षण के अनुसार आगे लौकिक छंद में कहा, ये तो वैदिक था, अब लौकिक में चलेंगे तो कहेंगे कि श्लोक का छठा वर्ण गुरु। श्लोक के प्रत्येक
चरण का छठा वर्ण गुरु, पांचवा वर्ण लघु, दूसरे और चौथे पाद का सातवा वर्ण लघु और पहले और तीसरे पाद का सातवा वर्ण गुरु होता है। राइट, ये हमारा क्या हुआ अनुष्टुप छंद का लक्ष्य। आगे चलते हैं उदाहरण, ध्यान से पढ़ते हैं। कहा कि लक्षण के बाद उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण है अजर अमरवत अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च साधेत। अभी भी यति और कौमा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। ग्रहिता इव केशेषु ग्रहिता इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। मृत्युना धर्मम माचरेत। कहा देखो कि अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च साधेत ग्रहिता इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। कहा कि पहले हम इस उदाहरण में क्या करेंगे भाई, वर्णों की गणना करेंगे। गणना करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठवें वर्ण पर हमने क्या लगाई यति। कुल वर्ण कितने हुए 8। आठवें वर्ण पर हमने लिया विश्राम। अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च साधेत। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दूसरी यति यहाँ हुई हमारी। देखो ध्यान रखें कि जब इस ये भी एक यति का ही द्योतक है, बोध कराने वाला शब्द है, चिन्ह है, तो ये यति हुई। दूसरी यति जब ये पूर्ण विराम का प्रयोग होता है तो कॉमा नहीं लगाते हम। अगला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यति, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दूसरी यति हुई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला चरण हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा चरण हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा चरण हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा हुआ चौथा चरण हुआ। कौन सा हुआ चौथा। अब देखो लक्षण कहता है कि पहली जो यति होती है आठ वर्णों पर हो गई, दूसरी यति भी फिर आठ वर्ण पर हुई, तीसरी यति फिर आठ वर्ण पर हुई, चौथी यति भी कितने वर्ण पर हुई 8। लक्षण के अनुसार जो पहला नियम था हमारा सही हुआ कि प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 8 होती है और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है 32। यति हो गई। अब हम चिन्ह लगाएंगे पांचवे, छठे, सातवें पर। तो गिनो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो रे है ये पांचवा है, वे है छठा, ते है सातवा। ठीक है, इधर चलते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 5, 6, 7। अभी मैंने आपको बताया कि
प्रत्येक चरण का पांचवा वर्ण लघु होता है, तो हम इसमें आने वाले पांचवें वर्ण को निकाल के लाते हैं। पहले में है र, दूसरे में है च, तीसरे में है व, और इसमें है मैं। देखो पांच चारों ही वर्ण कैसे हैं, लघु हैं। चारों ही वर्ण कैसे हैं, लघु। आप देख सकते हैं कि कोई भी नियम यहाँ पर नहीं टकरा रहा है, और साधारण नियम के अनुसार, सामान्य नियम के अनुसार पांचवा वर्ण क्या है, लघु है। पांचवा वर्ण क्या है, लघु। देखो पांचवा वर्ण क्या है, लघु। उसी प्रकार से छठे वर्ण की ओर चलते हैं। छठवा वर्ण है, देखो निकालो, छठवा वर्ण कौन सा भी, अजर अमर वत। अरे कहाँ, एक दो तीन चार पाँच छ, सॉरी ये तो हलंत था, छ सात, हाँ अजर अमर वत, ये अंडरलाइन से मिट गया हलंत। तो देखो सातवां वर्ण क्या है भी, प्रा। आगे चलो बेटा, सातवां वर्ण, छठवां वर्ण व, छठवां वर्ण क्या था, सॉरी व, लेकिन व के बाद क्या शर्त है बेटा, अर्धवर्ण है, हलंत वाला वर्ण है, इस कारण से वह क्या हो गया, गुरु। उधर चलते हैं, छ, छठवां है सा। इधर चलते हैं, छठवां वर्ण क्या है, के, और इधर छठवां वर्ण क्या है, माँ। सभी क्या हैं, गुरु। पीछे समस्या आ गई, बच्चे को कहता है जी ये कैसे गुरु है। मैंने आपको दो दिन पहले की कक्षा में बताया था कि अर्धवर्ण से पहले वाला वर्ण या हलंत वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण लघु होने पर भी गुरु माना जाता है, पाणिनी के विशेष नियम के, सॉरी पिंगल के विशेष नियम के अनुसार ये क्या हो गया, गुरु। तो हमारा पहला जो नियम था वो सही था, दूसरा नियम भी सही है। अब चलते हैं द्वित, पहला और तीसरे चरण का सातवां वर्ण। सातवां वर्ण पहले और तीसरे का सातवां देखते हैं कौन सा है, प्रा। उधर क्या है, ये पहला है, ये तीसरा है। अगला है सी, दोनों कैसे हैं, गुरु। अब चलते हैं दूसरी और चौथे चरण का सातवां वर्ण देखते हैं हम, दूसरे का सातवां कौन सा है, ध, और चौथे का सातवां कौन सा है, च। बराबर क्या है, लघु। इसका मतलब हुआ कि इस श्लोक में अनुष्टुप छंद होगा। ये सिद्ध कर दिया हमने कि इस श्लोक में कौन सा छंद होगा, अनुष्टुप। कहा अजर अमरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च साधित गृहीतव्य केशेषु मृत्युना धर्माचरित। ठीक है, तो ये श्लोक जब हमने पढ़ा तो हमने इसमें नाम क्या दिया, अनुष्टुप छंद, क्योंकि लक्षण के अनुसार इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त होता है, अनुष्टुप छंद, राइट। तो कहेंगे कि इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। आपको ये प्रश्न, ये लाइन दी जाएगी, ये लाइन एक चरण कि इस चरण में कौन सा छंद है उसका नाम और लक्षण लिखो, और आपको अंक मिलेंगे डेढ़। इस प्रकार की दो लाइनें दी जाएंगी आपको, और दोनों लाइनों में कहा जाएगा कि इस चरण में, इन चरणों में कौन कौन से छंद हैं उनका नाम और लक्षण लिखो। संस्कृत माध्यम में आता है कि अधोलिखित चरणानाम छंद नाम उल्लेखम कृत्वा तेषां लक्षणम अपि लिखत।
कहा कि नीचे लिखी हुई पंक्तियों में छंद का नाम लिखते हुए उसका लक्षण भी लिखो, 3 नंबर आपके पक्के हैं। तो कहा भाई अजर अमर, ये आपको श्लोक अपनी किताब में भी आएगा, अर्थ के लिए आएगा कि अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम चैसाधीत ग्रहिता केशेषु मृत्युना धर्म आचरित। ठीक है, छंद का नाम क्या हुआ? अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद हुआ? अनुष्टुप छंद। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला छंद हुआ आज हमारा अनुष्टुप छंद, लक्षण और उदाहरण समाप्त हुआ। अगला चलेंगे हम, कितने वर्णों वाला है इसका एक विशेष नाम भी दे सकते हैं, 8 वर्णों वाला समवृत छंद। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको कहेंगे कि अनुष्टुप में 8 वर्णों वाला कौन सा है? अनुष्टुप समवृत छंद। 8 हमारी छंदों में हमारी जो गणना आरंभ हुई है वो 8 से चालू हुई है कि 8 वर्णों वाला। पहली बात तो ये बहुत अच्छा आपको एक तरीका ही है कि जैसे ही आप गिनती करेंगे तो हमारे सिलेबस में केवल 8 वर्णों वाला एक ही छंद है जिसका नाम है अनुष्टुप छंद। हमारे सिलेबस में, हमारी पाठ्य पुस्तक में 8 वर्णों वाला केवल एक छंद प्रयुक्त हुआ है जिसका नाम है अनुष्टुप छंद। तो 8 वर्णों वाला अनुष्टुप छंद, राइट। इस प्रकार से 8 वर्णों वाला अनुष्टुप छंद हुआ, ये इसका हुआ उदाहरण। लक्षण मैंने अभी आपको लिखाया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा है 11 वर्णों वाला समवृत छंद। आज हुआ अनुष्टुप छंद, इसके आगे 8 से हम आगे बढ़ेंगे कि 11 वर्णों वाला कौन सा छंद होगा? 11 वर्णों वाला छंद चलते हैं। नंबर दूसरा है इंद्रवज्जा छंद, यह 11 वर्णों वाला समवृत छंद। अनुष्टुप छंद 11 वर्णों वाला समवृत छंद, कल अध्ययन करेंगे इसके बारे में। आज समय हुआ, धन्यवाद छात्रों, पढ़ते रहें, स्मरण करते रहें, धन्यवाद।